आप देख रहे हैं ज्ञान न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रतीक मिश्रा। वक्त तो चला है 5 मिनट में 25 खबरों का। कर्नाटक डीआरडीओ का रुस्तम 2 एवी दुर्घटनाग्रस्त ट्रायल के दौरान हिमाचल प्रदेश वायुसेना को मिला एक और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, छोटे एयरक्राफ्ट बन सकेंगे। भाजपा चुनावी राज्यों में चलेगी एनआरसी का दांव, 3 राज्यों के घोषणा पत्र में करेगी बात। अयोध्या मामला सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों ने कहा जन्मस्थान न्यायिक व्यक्ति नहीं। राजीव कुमार की तलाश में सचिवालय पहुंची सीबीआई, नहीं मिला कोई सुराग। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सोनिया गांधी ने दी शुभकामनाएं, स्वस्थ खुशहाल और दीर्घायु होने की कामना की। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी में पीएम मोदी के साथ दिखेंगे ट्रंप, पाक पीएम इमरान के लिए होगी मुश्किल। चंद्रयान 2 चांद से आज आ सकता है मंगल संदेश, नासा का एलआरओ भेजेगा विक्रम की तस्वीर। चीन और बांग्लादेश के साथ परंपरागत चिकित्सा साझा करेगा भारत, बांग्लादेश में बनेगी आयुष लैब। महाराष्ट्र 3500 सर्जरी करने वाले नामी डॉक्टर चेतन खुर्जेकर की सड़क हादसे में। सितंबर को पीएम मोदी से मिलेंगी ममता, आज पहुंचेंगी दिल्ली। लखनऊ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हाईकोर्ट का नोटिस, चुनाव याचिका पर कोर्ट ने दिया निर्देश। मेरठ सहारनपुर में अलर्ट, जैश ए मोहम्मद ने रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट की धमकी। बरेली छात्रा का बयान दर्ज होने के बाद स्वामी चिन्मयानंद की तबीयत बिगड़ी, घर पहुंची डॉक्टर। एनसीआर नोएडा पुलिस का अनोखा कारनामा, सीट बेल्ट न लगाने पर बाइक का चक्कर। दिल्ली स्वरूप नगर हादसे को लेकर सामने आया बड़ा सच, नशे में 120 की स्पीड से दौड़ा है। देहरादून दुष्कर्म का आरोपी छात्र संस्थान से निष्कासित, सीनियर छात्रों के जूनियर हॉस्टल में जाने पर। अटल आयुष्मान योजना, 3 साल पुराना राशन कार्ड फिर भी नहीं बन रही गोल्डन। शिमला में आज जुटेंगे हिमाचल के निवेशक, सीएम जयराम भी गिराएंगे मौजूद। शिमला किसानों की कमाई का ऑडिट कराएगी हिमाचल सरकार। फारूक अब्दुल्ला के बाद कई और नेताओं पर लटकी पीएसए की तलवार, उमर महबूबा भी लिस्ट। जम्मू लकड़ी तस्करों से निपटने के लिए बना था पीएसए, 4 दशक बाद शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक गिरफ्तार। जम्मू पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड के सहयोगी ने पूरे देश में रची थी आतंकी हमले की साजिश, एनआईए। पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी में छात्राओं से शराबियों ने की छेड़छाड़, बचाने आए छात्रों को भी। विराट कोहली और स्टीव स्मिथ के बीच तुलना पर बोले गांगुली, विराट आज भी सर्वश्रेष्ठ बने। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए ज्ञान न्यूज़।